नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब आपको पता चलता है आप माँ बनने जा रही है, आपकी यूरिन टेस्ट यानी यूपीटी प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आती है तो आप बहुत खुश होती है और आने वाले शिशु के बारे में सपना बुनना शुरू कर देती है और आपके मन में सवाल उठते रहता है, आपका नन्हा मेहमान कब आएगा, यानी आपकी डिलीवरी की तारीख कौन सी होगी, कौन सा वह दिन होगा जिस दिन आपकी डिलीवरी होगी। मुझे बहुत बार कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा गया है कि मेरी डिलीवरी कब होगी, यह मेरी पीरियड की तारीख है, अब मेरी डिलीवरी कब होने वाली है। तो चलिए जानते हैं, आज हम इस वीडियो में आपकी डिलीवरी की संभावित तारीख यानी आपकी ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करें, जिससे आप आपकी डिलीवरी की तारीख खुद कैलकुलेट कर सकेंगी। आज हम जानेंगे कितने दिनों का प्रेगनेंसी पीरियड होता है और आज की तारीख में आपके कितने मंथ या कितने वीक्स हुए हैं, इन्हें कैसे आप कैलकुलेट करें, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। चलिए पहले समझते हैं प्रेगनेंसी पीरियड कितने दिनों का होता है। गर्भावस्था का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 280 दिन यानी 9 महीने और 7 दिन, जिसे हम 40 वीक्स भी बोल सकते हैं। चलिए अब समझते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करें। आमतौर पर डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट यानी संभावित तारीख जो होती है, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपका लास्ट पीरियड का पहला दिन आपको पता होना ज़रूरी होता है। आपका लास्ट पीरियड जिस दिन से शुरू हुआ था उस दिन से कैलकुलेट किया जाता है आपका डिलीवरी की संभावित तारीख। समझो आपका लास्ट पीरियड 7 मार्च को आया था, 7 मार्च 2021। तो अभी आपको क्या करना है, 7 जो तारीख है उसमें 7 दिन ऐड करने हैं, तो आपकी डेट हो गई 14 और मार्च महीने में 9 मंथ आपको ऐड करने हैं, जैसे मार्च के आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी आपकी 14th दिसंबर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो संभावित डिलीवरी की तारीख होगी। इसमें मैंने क्या किया, जो तारीख थी आपके पीरियड की लास्ट डेट यानी जब आपका लास्ट पीरियड आया उसका फर्स्ट डे जिस तारीख को आया उस तारीख में 7 डेज ऐड किए और जो मंथ था वो मंथ के आगे 9 महीने कैलकुलेट किए। इसके लिए मैं और एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। समझो आपका पीरियड 1st of August को आया, तो तारीख हो गई 1, उसमें हमें 7 डेज ऐड करने हैं, तो तारीख हो गई 8। अभी अगस्त महीने से आगे 9 महीने आपको कैलकुलेट करने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 8 मई आपकी डिलीवरी की संभावित डेट होगी। यह तो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला जिससे आप कैलकुलेट कर सकती है आपके डिलीवरी की तारीख बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन यह फॉर्मूला उन लेडीज के लिए लागू होता है जिनकी महामारी रेगुलर यानी 21 से 35 डेज के बीच में आती है। जिन महिलाओं की महामारी रेगुलर नहीं है, जिन्हें अपने लास्ट पीरियड की डेट पता नहीं है, तो उनके लिए एक सेकेंड ऑप्शन ये होता है, आपको जो पहला अल्ट्रासाउंड फर्स्ट सोनोग्राफी जो आपकी की जाती है उसमें बताई गई ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये कंसिडर की जाती है आपके डिलीवरी की तारीख। यह अप्रोक्सीमेट डेट होती है लेकिन बाद में हर अल्ट्रासाउंड में डेट आपकी चेंज होने लगती है, लेकिन हमें पहले 7 या 8 वीक में की गई सोनोग्राफी उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट दी है वही कंसिडर करनी है। समझो आपकी सोनोग्राफी पहले 3 महीने में हुई है तो वो आप कंसिडर कर सकती है डिलीवरी की डेट। तो ये था सिंपल सा फॉर्मूला आपके डिलीवरी की संभावित तारीख कैलकुलेट करने का। अभी आपको आपका जो लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे है वहाँ से कैलकुलेट करनी है आपकी डिलीवरी की तारीख और कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है आपने आपकी जो डिलीवरी की डेट कैलकुलेट की है उसे, और आपका लास्ट पीरियड जिस दिन आया था वहाँ से अभी तक आपका कौन सा महीना शुरू है वो भी आप कैलकुलेट कर सकती है। आपको कमेंट बॉक्स में वो भी लिखना है आपका कौन सा मंथ शुरू है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आपका मंथ अभी प्रेगनेंसी का शुरू है वहाँ से लेके डिलीवरी तक आपको आपके बेबी को
सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाने का मौका आपके हाथ में है। आप ये समय यूटिलाइज कर सकती है। मनचाहे संस्कार आपके बेबी को आप दे सकती है। आप कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनाइए आपके शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।